सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये हमारी 8 इंच की बेस ट्यूब, तो 8 इंच स्पीकर लगा है इसमें। सब वूफर है, काफ़ी हैवी सब वूफर होता है जो इसमें बेस ट्यूब में लगा होता है। और पीछे की तरफ इसमें एम्पलीफायर लगा है, इनबिल्ट एम्पलीफायर है इसमें। तो ये देखिए, पीछे इसका एम्पलीफायर लगा होता है। तो इसे हम घर पे यूज़ करेंगे, और मोबाइल से हम इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो तो देखेंगे। तो सबसे पहले हमने इसकी वायरिंग करनी है, तो 12 वोल्ट की पावर देनी है हमें इसे, पावर 12 वोल्ट के सोर्स से। तो हम इसे डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हम 12 वोल्ट यूज़ करेंगे, और रिमोट वायर को हम जम्पर के साथ जोड़ देंगे। ये हो गया हमारा कनेक्शन, हमारी बेस ट्यूब में पावर आ चुकी है। तो रिमोट वायर को मैंने जम्पर से जोड़ रखा है। तो ये रहा हमारी जो ये वाली हमारी एम्पलीफायर है, ये जो बड़ा वाला किट आता है इस वाले एम्पलीफायर में। तो इसमें इस जगह पे देखिए, एक MP3 का सॉकेट दिया हुआ है, ये ऑक्स का इनपुट है, इसमें ऑक्स इनपुट लगती है। तो इसमें हम डायरेक्टली ऑक्स फिट करके हम अपना म्यूजिक सुन सकते हैं। और अगर हमारी बेस ट्यूब में ये MP3 वाला पोर्ट नहीं है, तो उसमें हमें ये वाली RS-2 ऑक्स वाली केबल यूज़ करनी पड़ेगी, जिसमें एक तरफ RS होता है और एक तरफ ऑक्स होता है। तो इसी हमारे मोबाइल में या ब्लूटूथ में लग जाएगी, और ये हमारे बेस ट्यूब में कनेक्ट हो जाएगी, और हम बेस ट्यूब से डायरेक्टली बेस ट्यूब को ये सुन सकते हैं, या बेस ट्यूब को स्पीकर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो ये वाला हमारी बेस ट्यूब होती है, इसमें दो तरीके के मोड होते हैं, एक फुल और बेस। तो बेस वाले में तो सिर्फ बेस आती है, तो जो फुल वाला है, फुल वाले में आपको थोड़ी कम बेस सुनाई देती है, और इसमें आप गाने की आवाज़ इजीली सुन सकते हैं। तो इसे हम नॉर्मली एक होम थिएटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्स से यूज़ करके दिखाऊंगा। तो ये है, ये रहा हमारी ऑक्स केबल, ये हमारी वॉल्यूम। तो इस तरीके से हम अपने मोबाइल से अपने बेस ट्यूब को चला सकते हैं। तो अगर आपके पास जो आपकी बेस ट्यूब है, अगर आपके बेस ट्यूब में ये ऑक्स वाला पोर्ट नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आपकी जो ये ऑडियो आउट का है, सॉरी, ये जो ऑडियो हमारी इनपुट है, इनपुट में आप अपना OX-2 RSE वाला वायर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी RSE वाली केबल लगेगी इसमें, ये दूसरी वायर हमारे मोबाइल में। क्योंकि हमारी दो तरह की बेस ट्यूब आती है, एक बेस ट्यूब में इस तरीके का एम्पलीफायर, बड़ा वाला एम्पलीफायर नहीं होता, कुछ छोटा एम्पलीफायर होता है, उसमें सिर्फ RSE इनपुट होता है और ज़्यादा फंक्शन नहीं होते, इसमें कुछ ज़्यादा फंक्शन दिए होते हैं, ये थोड़ा बड़ा एम्पलीफायर होता है। तो ये अगर आपके पास इस तरीके का एम्पलीफायर है जिसमें सिर्फ इनपुट है, तो आप ये वाली केबल यूज़ कर सकते हैं, RS-2 AUX, और इससे आप अपने मोबाइल से या ब्लूटूथ से चला सकते हैं। तो ये हमारी ब्लूटूथ की एक डिवाइस है, इस ब्लूटूथ की डिवाइस से भी हम इसे चला के देखेंगे।
तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। तो कोई भी ड्रिल अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी कोई भी पुरानी बेस ट्यूब को जो आपके पास से यूज़ में नहीं है, आप अपने कार में यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको घर में होम थिएटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसको पावर देने के लिए आपको कम से कम आपको 12 वोल्ट और 2 एम्पियर से ऊपर का आपको कोई ना कोई सोर्स चाहिए। या तो आपको बैटरी चाहिए या आप तो पावर सप्लाई कम से कम वो 2 एम्पियर तो हो, लेकिन 2 एम्पियर से ज़्यादा होगी तो काफ़ी अच्छी रहेगी इस बेस ट्यूब के लिए। अगर आपका एम्पलीफायर बड़ा वाला है तो 2 एम्पियर से ऊपर ही लगेगा आपको, 2 एम्पियर से कम नहीं लगेगा। तो पावर की रेटिंग इसमें सही रखेंगे तभी आपको आवाज़ सही मिल पाएगी। बट अगर आप इसमें अगर इसकी आवाज़ अगर इसमें पावर सही नहीं मिलती तो जैसे आप इसमें अपनी वायर लगाओगे तो ये वाली जो लाइट है ये ब्लिंक करने लग जाएगी, ब्लिंक करने लगेगी, ब्लिंक करने लगेगी और ये चलेगी नहीं बेस्ट। और इसको पावर पूरी तरीके से कंटिन्यू चाहिए और काफ़ी ज़्यादा पावर ये कंजप्शन करती है, काफ़ी ज़्यादा पावर ये कंज्यूम करती है बैटरी की जो पावर है। तो एक अच्छा पावर सप्लाई और पावर सप्लाई यूनिट आप यूज़ करिए तो जिससे इजीली आपकी आप चला सकें, आपको कोई प्रॉब्लम ना आ सके। तो काफ़ी हैवी साउंड होता है इसका। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।